अब जो दोस्तों है मैं हमारे पैनल बॉक्स के पास आ चुका हूं और मैं यहां पे हमारा जो ऑयल स्टार्टर है उसको चेंज करना चाहता हूं। इसके अंदर आपको ऑयल स्टार्टर दिख रहा होगा। अभी जो दोस्तों हैं हम आ चुके हैं पैनल बॉक्स के अंदर, मतलब कैमरा बैक कैमरा ऑन किया है तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो ऑयल स्टार्टर है कुछ कारणों की वजह से ख़राब हो चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर ठीक से जो है नट खुल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी कुछ पट्टियाँ जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। ये जो है ऑयल स्टार्टर है और हमने यहाँ पर नया ला दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास नया स्टार्टर है। ये जो स्टार्टर है इसके अंदर हमें इंस्टॉलेशन करना है। दूसरी जो बात बताऊँगा आपको, ये स्टार्टर चेंज करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि दोस्तों ये जो स्टार्टर है वो लगभग 6 से लेकर 7 साल तक अच्छी तरह से चला है, ठीक है। तो इसका तो पैसा वसूल हो चुका है तो इसी की वजह से मैं अभी इसके अंदर नया बिठाऊंगा। इसको बार बार रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको एक बार रिपेयर कर दिया है लेकिन फिर भी ये ठीक से नहीं चल रहा, तो इसको पूरा स्टार्टर ही मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर जुड़ेंगी। इसके ऊपर ध्यान मत दो, इसको पूरा मैं निकालूँगा और ये जो नया स्टार्टर है उसको हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले जो है ये स्टार्टर मैं निकाल देता हूँ और फिर पूरी आपको इन्फॉर्मेशन इसकी बता देता हूँ कि इसको आपको कैसे कैसे जोड़ना होगा। तो चलिए फटाफट से निकाल देता हूँ। ये स्टार्टर यहाँ पर है और इसको यहाँ पर देखिए नट बोल्ट्स लगा है, तो ये नट बोल्ट्स मैं निकालूँगा और ये सारे तार कट करूँगा तो ये आराम से निकल जाएगा। और ये जो है सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारे फेस जो है उसको निकालना ज़रूरी होता है, तो इसको निकाल दिया है और फिर बाकी का जो काम है हम करेंगे अभी। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पूरे जो एटो स्विच की तार जो हैं पूरे निकाल दिए हैं और ये जो फेस के जो तार हैं पूरे कट कर दिए हैं ताकि फिर से मैं अच्छे तरह से तार बिठाऊंगा। और मैंने इसको खोल दिया तो आपको दिखेगा इसके अंदर भी आपको ऑयल देखने को मिलेगा, ये हिलता हुआ दिख रहा है आपको इसके अंदर ऑयल। तो ये जो पट्टियाँ हैं इसकी बार बार ख़राब हो रही हैं रिपेयर करने के बाद भी, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको नया स्टार्टर बिठा दूँ। अभी फ़िलहाल में ये अच्छा है लेकिन जब ये नया स्टार्टर जो है ख़राब हो जाएगा तब एक एक सामान इसका निकाल के मैं इसको बिठाऊँगा जिस तरह, लेकिन ये ख़राब नहीं होता ये सबसे इसकी अच्छी बात है क्योंकि इसको 6 साल हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बार मैंने इसकी पट्टियां जो है रिपेयर करके बिठाई थी। ये देख सकते हो आप यहाँ पर के लॉक जो है मेरे से खो गए थे, वो भी मैंने हमारे वाइंडिंग तार के जो है वो लॉक बिठा दिए थे। तो चलिए दोस्तों अभी इसको निकालना है कुछ इस तरह, तो यहाँ पर के स्क्रू निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा और एटो स्विच को भी निकालेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। और दोस्तों ये जो स्टार्टर है आपको यहाँ पे केबल के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से केबल ले सकते हो आप, यहाँ से भी ले सकते हो और इसके नीचे भी कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर दो हैं तो आप कहीं पर से भी केबल ले सकते हो। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपको ये स्टार्टर निकाल के आपको पूरा बताऊँगा। अब जो दोस्तों है ये स्टार्टर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर के 4 स्क्रू निकाल देने हैं, मैंने निकाल दिए, अगर आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसके कनेक्शन बताता हूँ आपको मैं, जहाँ पे लिखा है L1, L2, L3 इसके अंदर लिखा है तो यहाँ पर लिखा है आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर जो लिखा है तो ये इनपुट कनेक्शन है यानी कि यहाँ पे फेस करंट दे देना है। और यहाँ पर जो आपको 3 जो पॉइंट दिख रहे हैं तो ये जो है मोटर के लिए, यहाँ पर लिखा है ABC, तो उन लोगों ने शायद आपको यहाँ पर भी शायद देखने को मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे टोपन के अंदर लिखा है उन्होंने L1, L2, L3 यहाँ पे इनकमिंग सप्लाई बताया है और यहाँ पर जो है ABC to मोटर, तो इसलिए तो इस तरह हमें जो है मोटर का वगैरह पूरा कनेक्शन इस टोपन के अंदर बिठा है। और ये जो है प्लास्टिक वाला है, अगर इसको निकाल के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह अंदर भी मैकेनिज़्म देखने को मिलेगा नया वाला। और ये जो है बिल्कुल लोहे का है, ये लोहे का है, एक्चुअली मुझे लोहे का पसंद नहीं है लेकिन उन लोगों ने लोहे का दिया है क्योंकि इसके अंदर करंट जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसी की वजह से, ठीक है। तो चलिए अभी इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें जो एक मेन बात है, इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको इस PT को यहाँ पर स्क्रू लगाने होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले होल करना होता है,
दोस्तों इस स्टार्टर को लगाने से पहले आपको पीटी के अंदर कुछ एक साइड में इस तरह आपको होल करने होती हैं, क्योंकि हमें जो स्टार्टर है हमारे इस प्लॉट के ऊपर फिट नहीं होगा, तो इस तरह साइड में फिट होगा। तो यहाँ पे हमें दो छेद करने हैं उस स्क्रू के हिसाब से। और दूसरी बात, आपको जब भी आप छेद करते हैं तो आपको बहुत ही ऊपर करने हैं, नीचे नहीं करने हैं, ताकि जो हमारा ये जो ढक्कन है ऑयल का, इसको निकालने में आसानी हो। वो आपको मैं आगे चल के समझाऊँगा। अगर आप ये होल नीचे करते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कतें आती हैं, इसलिए सबसे ऊपर ही करना है इसको। जितना ऊपर करेंगे उतनी अच्छी बात है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं। आपको लास्ट में बताऊँगा इसका कैसे होल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मेन जो बात आती है, तो ये जो इनपुट के जो कनेक्शन है ये देना हमें आसान है, लेकिन हम आउटपुट के जो मोटर के जो कनेक्शन है वो देने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम फेज करंट जो है इस पूरा जो है बाहर है, इसको बड़ी आसानी से जोड़ेंगे, लेकिन ये अंदर दिया है उन लोगों ने स्क्रू, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आती है। तो इसीलिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ इस तरह एक केबल का टुकड़ा लेना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर जोड़ देना है, क्योंकि स्टार्टर जोड़ने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो आपको एक टुकड़ा इस तरह लेना है, इस तरह, ठीक है। मैंने टुकड़ा लिया है, आप देख सकते हो, इस तरह आपको टुकड़ा लेना है। और एक कारण है इसका, हमें इस तरह टुकड़ा लेना ही चाहिए। उसका अभी एक कारण ये है कि हम इसको उल्टा सीधा करने में अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। एक्चुअली ऐसा होना था कि अंदर मेन सप्लाई देना था और बाहर मोटर की देना था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो जाने दो। हम बाहर से भी उल्टा सीधा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें एक टुकड़ा जो है सबसे पहले अंदर जोड़ देना चाहिए, ताकि हम बाहर से उल्टा सीधा इसको अच्छी तरह से कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए अभी ये वाला जो टुकड़ा है, सबसे पहले मैं यहाँ पर तीन पॉइंट को जोड़ देता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी जोड़ो। पहले मैं जोड़ता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसी तरह जो है हम बाकी भी तार जोड़ देंगे और फिर आपको अगला जो प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे। केबल जो हमने इस होल से लिया है और इसका दूसरा जो सिरा है केबल का वो यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए अभी ये दो तार जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत ही दिक्कत आती है इसके अंदर जोड़ने के लिए, तो फटाफट से जोड़ लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अगला। दोस्तों आप देख सकते हो हमने तीनों के तीनों जो तार हैं वो यहाँ पर जोड़ दिए हैं कुछ इस तरह, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि नीला पीला और लाल। और ये जो केबल है कहीं पर से भी आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने यहाँ से लिया है और इनपुट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, और ये जो तार हमने जोड़े हैं वो जोड़ दिए हैं मोटर के। तो चलिए अभी इसको पैनल बॉक्स के अंदर फिटिंग कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पे नट बोल्ट जो है हमने फिट कर दिया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह ये फिटिंग हो चुका है। इसका बचा हुआ जो केबल है मैं यहाँ से नीचे ले लूँगा। चलिए दोस्तों ये तो हो गया मोटर के तार, अब जोड़ते हैं इसको फेस करंट दे देते हैं। फेस करंट कहाँ पे देना है इसको, यहाँ पे बाहर दे देना है, तो यहाँ पे बाहर फेस करंट देना है। तो अभी इसको कैसे जोड़ना है, अभी देखिए ये जो तार है आपको यहाँ से लेके यहाँ से अंदर लेने हैं, यहाँ से ये पूरी जो तार हैं तीनों के तीनों फेस के, तो यहाँ से लेके यहाँ पर जोड़ देने हैं, या फिर आप यहाँ से नीचे से लेके यहाँ पर से भी ले सकते हो, यहाँ से भी आपको एक खांच दी है तो यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर से भी ले सकते हो, सभी जगह पे जगह है यहाँ पर, आप कहीं पर से भी ले सकते हो। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल आसानी से बैठ भी जाएगा। तो आप कहीं पर से भी ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैं इसलिए नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि इसको मैं खुला रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑटो स्विच भी जोड़ना है बाद में। तो इसको मैं बाहर से आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ये आपको यहाँ से अंदर से लेना होगा। चलिए अभी ये तीनों के तीनों जो तार हैं मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ और फिर आगे का प्रोसेस कर देता हूँ, यानी कि आगे का बता देता हूँ। तो ये आपको कुछ इस तरह झूला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना जो पेस है वो रख देना है, ये लगभग मेरे हिसाब से चार यानी कि छः बोट का स्पेस है यहाँ पर। तो लगभग हम अगर इंच में देखेंगे तो ये तीन चार
चार इंच का होगा, चार पाँच इंच का जगह होगा नीचे। वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर जो है तेल इसका अगर ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर बदलना पड़ता है। ये जो आती है टंकी, अगर हम इसको कुछ इस तरह लगा देना है हमें, ये इस तरह यहाँ पर लगेगी, ये जो टंकी है कुछ इस तरह यहाँ पे लगेगी। तो ये जो अगर टंकी में का तेल ख़त्म हो जाएगा तो हमें इसको निकालना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर नीचे स्टार्टर जोड़ेंगे तो ये निकल नहीं पाएगा, तो इसी की वजह से ये निकालने के लिए इतना स्पेस नीचे रखना पड़ता है। तो इस तरह हम अगर यहाँ पर नीचे लेंगे तो इसको बाहर आसानी से तेल इसके अंदर डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर 8 बोल्ट का स्पेस यानी कि 5 इंच का स्पेस रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अभी फटाफट से ये जो तार है यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो 3 जो तार हैं फेस के वो भी जोड़ दिए। मेरे पास तार कम थे इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिए, उसके लिए सॉरी, आप ले लो वहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जोड़ दिया है, अभी इसको आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। फेस भी लगा दिए हैं और आप अभी यहाँ पर का जो मैकेनिज़म है वो देख सकते हो। मैं इसको ऑन करता हूँ ग्रीन बटन से। और इसके ऊपर कोई लोड नहीं क्योंकि वहाँ पर जो तार हैं वो खुले हैं, ठीक है। बिना लोड का आप ऐसा बिल्कुल टेस्ट मत करो, के ऊपर कोई लोड अभी तक नहीं लगा है। तो चलिए अभी इसके अंदर ऑयल डालते हैं, उसके पहले हमें फेज निकालने होंगे। हमें यहां तक ऑयल डालना है। ये जो ऑयल देख रहे हैं आप वो है ट्रांसफार्मर का। ओके, ये तो रहा ऑयल। अभी ये जो ऑयल है हम किस तरह बिठाते हैं आप देख लो। अभी जो हमने सिर्फ एक ही नट बिठाएंगे वो उस साइड में का नहीं बिठाएंगे। अभी देखिए उस साइड में नहीं बिठाएंगे तो वो नीचे आएगा, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे। देखिए ये जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा, इसको नीचे रखेंगे या फिर आपके पास जो भी चीज़ हो उसको रख दीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिख रहा है तो उसके नीचे कुछ इस तरह पत्थर रख देंगे। तो ये हमारा काम बन गया, आप देख सकते हो पूरा जो काम है। हमने ऑयल भी डाल दिया और यहाँ पे पत्थर रख के पूरा सेट भी कर दिया। अब ये नीचे नहीं आएगा, बस इन नट का काम होता है कि ये जो टोफन है वो नीचे ना आए। तो हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है और बार बार अगर हमें ये टोफन निकलना हो तो ये हाथ से भी निकल जाएगा। ये पत्थर और ये कैप निकालेंगे तो ये बिल्कुल हाथ से ही निकल जाएगा। तो हमारा जो है यहाँ पर का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो जाता है इंस्टॉलेशन का। इसके ऊपर ऐटो कैसे बिठाना है बिल्कुल आपको कम समय में सिखाएंगे और डिटेल में वीडियो है भी, इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अब बारी आती है मोटर टेस्टिंग की। तो आपको यहाँ पे मोटर दिख रही है, तो ये लगभग 3 महीने से बंद है। मुझे नहीं पता कि ये ऑन होगी या फिर नहीं, लेकिन अब ये जो तार हैं केबल जो है ये वाला, ये बिल्कुल अभी यहाँ पर खाली है। अभी हम इसको यहाँ से उल्टा सीधा सब कर सकते हैं। और ये जो केबल है इस मोटर का है हम यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे, जॉइंट लगा। दोस्तों ये जो मोटर है जब से बारिश गिरा है तब से बंद है, तो अभी पता नहीं अभी ऑन होगा क्या नहीं। हम ज़रूर देखेंगे क्लैंप मीटर से ऑन होता है क्या नहीं। और दूसरी बात, हम यहाँ से मोटर को उल्टा सीधा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस भाई का जब तक जॉइंट हो जाता है तब तक हम क्या करते हैं, क्लैंप मीटर सेट करते हैं। तो यहाँ पर क्लैंप मीटर, तो यहाँ पर क्लैंप मीटर है, इसको 200 के ऊपर सेट करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमें ये जो एम्पेयर है, एम्पेयर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर का एम्पेयर, इसको भी सेट करना है। उसको कैसे सेट करते हैं वो भी बताऊंगा, आपको पता चलेगा। इस क्लैंप मीटर को हम 200 के ऊपर सेट कर देंगे। तो चलिए 0-0 आ गया। किसी भी एक तार में इसको अटकाएँगे यहाँ पर, जब मोटर ऑन होगी तभी हम सेट कर पाएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं कि ये मोटर कितना करंट लेती है। फिक्स मत कर, उल्टा सीधा करना है ना बाहर से, ठीक ठीक है। अभी चलिए फेज बिठा के देखते हैं।
पता नहीं अभी क्या होने वाला है। 3 महीने से मोटर बंद था और फेज भी देखिए तगड़े तगड़े वाले फेज हैं, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन पता नहीं अभी ऐसा क्यों। ओके दोस्तों चलिए ऑन ऑफ करके देखते हैं। ये जो है क्लैंप मीटर मैंने यहाँ पे लगाया है और आप देख सकते हैं क्लैंप मीटर में एम्पियर कितना शो करेगा। तो यहाँ पे सभी जो तार हैं दोस्तों, सभी तारों के अंदर यहाँ पे 34 यानी कि 30 के आसपास जो है करंट ले रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो मोटर है 300 फीट तक छोड़ दिया है और 6-10 का मोटर है और इसने एम्पियर लेना चाहिए 14 से लेकर 15, बहुत हुआ इसके लिए, लेकिन ये जो करंट ले रहा है 30। यानी कि दोस्तों ये जो मोटर है जाम हो चुका है, घूम नहीं रहा है। तो हमें दिखाना था सिर्फ आपको स्टार्टर इंस्टॉलेशन, तो वो तो पूरा हो चुका है, तो ये मोटर नहीं चल रही है तो बात अलग है। अभी उसको निकाल के फ्री करना होगा तभी ये चलेगा, या फिर चालू बंद करके देखना पड़ेगा, चालू हो जाए तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस नीले तार के अंदर कितना करंट ले रहा है, 30। अभी लाल तार के अंदर देख लेते हैं, 30। और अभी पीले तार के अंदर देख लेते हैं, 30। तो दोस्तों मोटर घूम नहीं रहा है, मोटर जाम हो चुका है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। बस ये कैप जो है हमने यहाँ पर नहीं लगाया, वो आप खुद लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो चलिए दोस्तों यहीं पर इस वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।